श्री श्री रविशंकर बाल मंदिर और श्री विद्यानिकेतन पब्लिक स्कूल के अंतरनाथ 2018 में आप सभी महानुभावों का स्वागत है। स्कूल फिर वो प्री प्राइमरी हो या फिर प्राइमरी, यह चलाना कोई आसान बात नहीं होती। स्कूल वो जगह होती है जिसे ज्ञान का मंदिर कहा जाता है। स्कूल साधना का केंद्र होता है। स्कूल विद्यार्थियों के जीवन को सजाता संवारता है, उसे परिपूर्ण बनाने में जुटा होता है। और अच्छा स्कूल वह होता है जहां बच्चे हमेशा आना पसंद करते हैं। श्री श्री रविशंकर बाल मंदिर की स्थापना 2008 में हुई। यह एक प्री प्राइमरी स्कूल था। गिने चुने बच्चों के बीच इस बालक मंदिर की शुरुआत हुई थी। आज श्री श्री रविशंकर बाल मंदिर को पूरे 10 साल हुए हैं। हम आज श्री श्री रविशंकर बाल मंदिर का दशक पूर्ति वर्ष मना रहे हैं। यह अपने आप में गौरव की बात है। 10 साल के इस सफर में श्री श्री रविशंकर बाल मंदिर ने अनेकों समस्याओं को झेला है। बुनियादी सुविधाओं से लेकर बच्चों की पूरी परवरिश तक हर चीज का ध्यान रखा गया है। 2008 से लेकर यानी पहले वर्ष से लेकर आज तक हर साल बच्चों को अपने देश की संस्कृति, सभ्यता और सामर्थ्य की पहचान कराने का काम इस स्कूल ने पूरे प्रामाणिकता के साथ किया है। अंतरनाथ इस एनुअल गैदरिंग के माध्यम से अपनी कला को प्रदर्शित करने का बेहतर मंच दिया है। साल 2012 के अंतरनाद मंच पर यह नाचते झूमते बच्चे अभी बहुत ही छोटे हैं, लेकिन इनके उत्साह में कोई कमी नहीं है। अपने छोटे छोटे बच्चों का परफॉर्मेंस देखने के लिए उनके माता पिता बड़ी संख्या में पधारे हैं। साल 2013 का यह मौसम है। अब श्री श्री रविशंकर बाल मंदिर कुल 5 साल का हुआ है, लेकिन अभी भी राज्य सरकार द्वारा पहली कक्षा पर मोहर का इंतजार है। इस साल की गैदरिंग अच्छी होने वाली है। लोक संगीत यह थीम सबकी पसंदीदा थीम है। बच्चों की धूम देखने माता पिताओं का हुजूम उमड़ पड़ा है। साल 2014 यह वर्ष श्री श्री रविशंकर बाल मंदिर के लिए अच्छा साल रहा। 2008 मध्ये आम्ही या शाळेची स्थापना केली। अत्यंत संघर्षात आणि सुरुवातीच्या काळामध्ये एका भारल्याप्रमाणे आम्ही या शाळेचं काम सुरू केलं। मला सांगायला आपल्याला अत्यंत आनंद होतो की मागच्या 3 वर्षापासून ज्या गोष्टीसाठी आम्ही सगळे संघर्ष करतोय, प्रयत्न करतोय, ते यावर्षी फलद्रूप होत आहे। शाळा पुढे जाते। यावर्षी आम्ही फर्स्ट स्टँडर्ड शाळेचं सुरू केलेलं आहे। मात्र शासनाच्या नवीन नियमानुसार, नवीन निकषानुसार शाळेची मान्यता आपल्याला मिळालेली आहे। 1 ते 4 वर्गाची प्राथमिक मान्यता आपल्याला मिळाली आहे आणि या जूनमध्ये आपण शाळा सुरू करतोय। अब स्कूल आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस साल का अंतरनाद अतुल्य भारत इस थीम को समर्पित है। भारत की विविधता और संप्रभुता का दर्शन करने के लिए हमें तैयार रहना होगा। माझ्या देशातल्या समृद्ध आणि विविधतेने नटलेल्या परंपरांचा मला अभिमान आहे। खरोखरच आपला देश जगामध्ये एक आश्चर्यच आहे। भिन्न पेहराव, भिन्न भाषा, अनेक धर्म, पण प्रेमाच्या एका धाग्याने सर्व गुंतलेले आहेत। अनेक रंगांच्या फुलांची माळ जशी शोभून दिसते, तसा भारत देश जगाच्या शिल्पेचात आपले स्थान अबाधित ठेवून आहे। श्री श्री रविशंकर बाल मंदिर के साथ अब श्री विद्यानिकेतन पब्लिक स्कूल भी इस अंतरनाद में जुड़ चुका है। श्री विद्यानिकेतन का अपना एक अस्तित्व अब नजर आ रहा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तान हमारा है।
भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे नारा गुलिस्ता हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन बलवान है, भारत हमको जान से प्यारा। अंतरनाद केवल यही एक जरिया है कि जहां बच्चे अपने हुनर को दिखा सके, यह समझना बहुत बड़ी गलती होगी। श्री श्री रविशंकर बाल मंदिर और श्री विद्यानिकेतन पब्लिक स्कूल बच्चों के लिए पूरे साल भर शिक्षा के साथ साथ अनेक उपक्रमों का संचालन करता है, जैसे कि रेनी सीजन वीक के माध्यम से बच्चों को बरसात का आनंद देना, अनुभव देना, सीड टू प्लांट के जरिए निसर्ग चक्र की पहचान कराना, प्लास्टर ऑफ पेरिस से होने वाले बड़े जल प्रदूषण को रोकने के लिए मिट्टी से श्री गणेश की मूर्ति बनाना, भाई बहन का प्यार फलता रहे फूलता रहे इसलिए रक्षाबंधन का पर्व निभाना, कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर श्री कृष्ण राधा और गोपिकाओं की भूमिका का परिचय करवाना, आषाढ़ी एकादशी यह एक बड़ा उत्सव होता है, स्कूल वारकरी दिंडी के माध्यम से श्री विठल भक्ति को जताता है, रमजान ईद, दशहरा, दिवाली, राष्ट्र पुरुषों की सम्मान में विशेष कार्यक्रम, 15 अगस्त, मेरी क्रिसमस, 26 जनवरी, होली, ऐसे सभी उपक्रमों द्वारा बच्चों में सामाजिकता का एक नया परिमाण स्थापित हो, इसके लिए बेहतर काम करता है। फील्ड ट्रिप से बच्चों को नए वातावरण का परिचय होता है, बच्चे इसका पूरा आनंद लेते हैं। साइंस एग्जीबिशन एक बड़ा मौका होता है जिससे बच्चों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का पता चलता है। फूड फेस्टिवल का बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता, दोस्त, रिश्तेदार यह सभी आनंद लेते हैं। स्कूल में टीचर्स डे, फ्रूट डे, कलर्स डे, इसी के साथ भाषण, खेल, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी समावेश होता है। साल 2015 स्कूल के लिए बहुत ही उम्दा रहा है। इस साल में अनेकों बच्चों ने ओलंपियाड एग्जाम्स को निचोड़ कर पिया है। इस साल के आधार पर अगले साल की तैयारी में नई जान आई है। साल 2015 यह ओलंपियाड एग्जाम का पहला साल था, लेकिन बच्चों ने ऐसा मुकाम हासिल किया कि देखने वाले देखते ही रह गए। आईएसओ, आईएमओ, आईओ ऐसी स्पर्धा परीक्षाओं में बच्चों ने अच्छा नंबर लाया है। इस साल के अंतर्नाद में इन्हीं का सम्मान स्कूल के लिए बड़ा ही गौरवशाली पल है। नैतिक मूल्यों के साथ साथ श्री श्री रविशंकर बाल मंदिर विज्ञान, तकनीक, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, मराठी आदि विषयों की बेहतर तैयारी करता है। शायद यह एकमात्र स्कूल है जहां पर बच्चे अपनी पहचान खुद बताते हैं। अब बच्चे श्री विद्यानिकेतन पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, कार्यक्रमों का संचालन स्वयं कर रहे हैं। इस छोटी सी आयु में बच्चों ने अच्छा स्टेज करेज पाया है, यह स्कूल की छोटी सी उम्र में बड़ी सफलता है। सुकेश जाधव, बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड, श्री विद्यानिकेतन पब्लिक स्कूल। साल 2016 अब तक का सफल साल रहा है। इस साल ओलंपियाड एग्जाम्स में मेडलों की बारिश हुई है। यह बच्चों की मात्र भीड़ नहीं है, यह उन अपेक्षाओं की, आकांक्षाओं की भीड़ है जो इनके माता पिता और स्कूल ने पाल रखी है।
स्कूल ने अब रफ्तार पकड़ ली है, अभी और आगे बढ़ना है, नए मुकाम हासिल करना है और श्री श्री रविशंकर बाल मंदिर और श्री विद्यानिकेतन पब्लिक स्कूल इसके लिए बिल्कुल तैयार है। साल की तरह इस साल भी स्कूल के जरिए बेस्ट स्टूडेंट ऑफ दिस ईयर चुने गए हैं। साल 2017 का एनुअल गैदरिंग बॉलीवुड थीम लेकर आया है। इस साल भी मेडलों की लंबी कतार देखने मिली है। बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अब मेडल पाने का रुतबा बच्चों ने हासिल किया है। स्कूल का मंत्र है स्ट्रेस फ्री एजुकेशन और स्कूल ने यह करके दिखाया है। आने वाला 2018 साल अभी बाकी है। स्कूल निरंतर आगे बढ़ रहा है। बच्चों ने सीड टू प्लांट स्कूल में सीखा था। श्री श्री रविशंकर बाल मंदिर भी सीड टू प्लांट का बेहतर उदाहरण है। अभी ज्ञान के इस पेड़ पर फूल फल लगने लगे हैं। इस स्कूल ने पत्थर मारने वाला पैदा नहीं किया, बल्कि पत्थर को तराशने का हुनर बच्चों को अवश्य दिया है। सभी का अभिनंदन, सभी को शुभकामना। बस चलते रहो, बढ़ते रहो, भारत होकर ने और शीतल होकर ने को आशीष देते रहो। जय हिंद। जाएगा।